नहीं, मैंने जब ये लिखा था तो मुझे लगा था कि ये थोड़ा अनयूजुअल सा हो जाएगा, पर यह माहौल सब प्यार वाले ही है यहाँ पे, सो आई थिंक दिस विल फिट इन. सो द और पास में लाने के लिए माइक ही है अभी. सो दिस इज द टाइटल ऑफ माय पोएम इज मेन विल बी मेन. सो तो बात उस वक्त की है जिस वक्त पहला नशा पहला खुमार था. तो बात उस वक्त की है जब पहला नशा पहला कुमार था, सीडीएमए वाले मोबाइल के जमाने में. नया प्यार नया इंतजार था. सुनेंगे कि मैंने तबियत से इश्क किया था, कि मैंने तबियत से इश्क किया था, नाजुक उम्र वाला मेरा प्यार जानदार बड़ा ही मजबूत था. कि मैंने तबियत से इश्क किया था, नाजुक उम्र वाला मेरा प्यार बड़ा ही जानदार मजबूत था, भले ही एक तरफा था इश्क मेरा, भले ही एक तरफा था इश्क मेरा तब तक, पर उसे पाने का इरादा फेविकॉल के जोर से अटूट था. शोर बहुत करता था अकेले में नादा दिल मेरा, शोर बहुत करता था अकेले में नादा दिल मेरा, पर उसके सामने आते ही चुप, लव मेरा म्यूट था. कि वो मेंटोस थी मेरी जिंदगी की, कि वो मेंटोस की मेरी जिंदगी की, उसके आते ही दिमाग की बत्ती जल जाती थी. कि वो मेंटोस थी मेरी जिंदगी की, उसकी आते ही दिमाग की बत्ती जल जाती थी, पर मेरा नाम भी उसको पता ना था दोस्तों, पर मेरा नाम भी उसको पता ना था दोस्तों, मैं उसके मेल बॉक्स में पड़ा एक स्पैम मेल था. कि वो धीरे धीरे, कि वो धीरे धीरे LIC की पॉलिसी बनती जा रही थी मेरे जीवन में, कि वो धीरे धीरे LIC की पॉलिसी बनती जा रही थी मेरे जिंदगी की, मुझे लगता था ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी रहे. वो धीरे धीरे LIC की पॉलिसी बनती जा रही थी जिंदगी की, मुझे लगा ये जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी चलने वाला था, पर उसके लिए मैं नॉन एग्जिस्टेंट एक अनजान सा चेहरा, पर मैं उसके लिए नॉन एग्जिस्टेंट अनजान सा चेहरा, क्रेडिट कार्ड के लिए आया एक मिस्ड कॉल था, पर तबियत से इश्क किया था मैंने. पर कहते हैं ना, सच्चा इश्क करो तो वो हर कसौटी पर खरा उतरता है. पर कहते हैं ना, सच्चा इश्क करो तो वो हर कसौटी पर खरा उतरता है. मुकम्मल इश्क ही वो है, मुकम्मल इश्क ही वो है, कि वो शिद्दत से करो तो बेशक मिलता है. मुकम्मल इश्क ही वो है, जो शिद्दत से करो तो बेशक मिलता है. तो अपने ब्लैक एंड व्हाइट इश्क में भी एशियन पेंट वाले कलर आने लगे थे. तो अपने ब्लैक एंड व्हाइट वाले इश्क में भी एशियन पेंट वाले कलर छाए. एक दिन वो मुझे देख के यूं मुस्कुराई, जैसे घने अंधेरों में सिस्का के हजार बल्ब हो जग गए. वो मुझे देख के यूं मुस्कुराई के जैसे लगा घने अंधेरों में सिस्का के हजार बल्ब हो जगमगाए. शायद उसे भी लगने लगा था यही है वो हीरा जो रहेगा सदा के लिए. उसका मुझे यूं दूर से वेव करना बन गया था शॉर्ट ऑन आईफोन मोमेंट. उसका मुझे दूर से वेव करना मेरे लिए बन गया था शॉर्ट ऑन आईफोन मूवमेंट. मेरे दोस्तों का एक्साइटमेंट मुझसे ज्यादा था और मुझे लगा इज इट दैट फिल्म जो रिलीज होने से पहले आ गई हो ऑन टॉरेंट. मेरे दोस्तों का एक्साइटमेंट मुझसे ज्यादा था और मुझे लगा इज इट दैट फिल्म जो रिलीज होने से पहले ही आएगी हो ऑन टॉरेंट. जैसे ही स्लो मोशन में वो मेरे पास आई, जैसे ही स्लो मोशन में वो मेरे पास आई, तो थरथराते होठों से मैंने कहा हाय. तो थरथराते हुए होठों से मैंने कहा
हाय, अब कुछ कहने की उसकी बारी थी, अब कुछ कहने की उसकी बारी थी। तभी इन दैट मोमेंट पीछे से आया मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा बेस्ट फ्रेंड। तभी पीछे से उसके आया मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ मेरी मैकडोनल्ड वाली नंबर वन ही आ रही थी। पर फिर आया वो ट्विस्ट जिसने मेरी आशिकी पार्ट वन को, फिर आया वो ट्विस्ट जिसने मेरी आशिकी पार्ट वन को कन्वर्ट कर दिया इन एक विलन, जिसे मैं उसकी समझ रहा था वो तो मेरी भाभी थी। Can I take a break for a second? Yes. फिर क्या था मेरे अल्फाज लोगों, फिर क्या था मेरे अल्फाज लबों पे अड़ गए, मेरा दिल और आवाज दोनों ही बैठ गया। फिर क्या था मेरे अल्फाज लबों से रूठ गए, मेरा दिल और आवाज दोनों ही बैठ गए। मैंने खुदा से कहा, ए खुदा यू ना मेरे सपने चकना चूर कर। मेरे खुदा ने, मैंने अपने खुदा से कहा, ए खुदा यू ना मेरे सपने चकना चूर करो। तब उसने हाथ बढ़ा के अपनी प्यारी आवाज में कहा, विक्स की बोली तबियत से किया इश्क अब धीरे धीरे दम तोड़ने लगा था, तबियत से किया इश्क अब धीरे धीरे दम तोड़ने लगा था। चाइनीज फोन सा मेरा दिल झटके से एक्सप्लोड हो चुका, चाइनीज फोन सा मेरा दिल अब झटके से एक्सप्लोड हो चुका था। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बस उसी मोमेंट में आई उसकी बेस्ट फ्रेंड, हाथों में चाय के चार प्याले लिए। तभी आई उसकी एक दोस्त, हाथों में चाय के चार प्याले लिए। मैंने उसे देखते ही सोचा कि यही है वो तो बूंद जो जरूरी है जिंदगी के लिए। कभी आई उसकी एक दोस्त, हाथों में चाय के चार प्याले लिए। मैंने सोचा यही है वो दो बूंद जो जरूरी है जिंदगी के लिए। और शुरू हुई एक मजबूत प्रेम कहानी, जैसे हो ओरिएंट का अनब्रेकेबल फैन। फिर शुरू हुई एक मजबूत प्रेम कहानी, फिर से जैसे हो ओरिएंट का अनब्रेकेबल फैन। शायद हमारे इसी भोले स्वभाव की वजह से लोग कहते हैं मैन विल बी मैन।